अखबार में आया है बारिश जल्दी ना आवेगी। हे मारा भावो, इस घर में दो दो बीनी हैं, फिर भी ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है। और वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब सीखने की, क्योंकि दिलीप जी के घर में ये सब नहीं होता। चीजें बनी बनाई आती है वहाँ पे, भाभू वो शहर है। वहाँ थारा मन करे ना तो सुबह शाम मेहंदी लगा कर बैठ जाए और साथ में दिलीप जी ने भी लेकर बैठ जाए बातों की चटकारे लेने के लिए। पर ये हमारा घर है और हमारे घर में सारा काम हाथा से होंगे, और जब तक तू इस घर का धान खावे है ना, तने इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा। पीन मरा राम जी, एक से बढ़कर पीननी सा, ये दूध बादाम किसके लिए लेके जा रही? बाबू वो मीनाक्षी प्रेग्नेंट है और ऐसी हालत में खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ना। बस इसीलिए देने जा रही हूँ। बाबू मैं देकर आती हूँ। भूख लग रही है, क्या करूं? विपिन से भी नहीं कह सकती कि मारे लिए थाली परोस लाओ। मारा पति परमेश्वर माँ बाप के श्रवण कुमार बने हुए हैं। चिताली जी, मीनाक्षी ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखे रहना ठीक नहीं होता। दो दो घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया करो। लो दूध पियो। मैं इस खातिरदारी के लायक कौन हूं? इतने पाप किए, इतने पाप किए कि जब मरूंगी ना तो नरक में भी लोग कहेंगे मैंने थारे लायक कोई सजा कौन हूं। थकी के भाई साहब, हाँ हाथा में जोर को नी? हाँ बाबू कर रही हूँ। कर कर छतरी। क्या हुआ? कट गया। अरे इसमें तो खून निकल रहा है। तो इधर आ, इधर बैठ। एक मिनट बैठ, मैं आती हूँ। सजा ये है कि बाहर गली के नल से बाल्टी भर भर के पूरे घर के लिए 3 दिन तक का पानी भरेगी। रुक बीनड़ी, ये कोई गलती? अरे भाभों के पास इतना ही प्यार था जो खर्च हो गया। अब देखना कैसे शेरनी पटका मारती है इस मेमनी को।